बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पर्जियोसिस, फंगल इन्फेक्शन या फंगस बॉल भी इसको हम कहते हैं। एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पर्जियोसिस को फंगल इन्फेक्शन या फंगस बॉल भी कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली एलर्जिक पल्मोनरी ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पर्जियोसिस है क्या? एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पर्जियोसिस, जिसको हम ABPA भी कहते हैं, अकर्स एट द रिजल्ट ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू जर्मिनेटिंग फंगल स्पोर इन द एयरवे वॉल्स। एयरवे वॉल में क्या हुआ कि जर्मिनेटिंग स्पोर आया, उसने आके जर्मिनेट करना शुरू कर दिया। ये एक स्पोर आया, इसने जर्मिनेट करना शुरू कर दिया, तो ये बन गया एक फंगस बॉल बन गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं कि ये देखें जी इसकी पिक्चर। एस्पर्जिलस जो है यूबिकोइटस फंगस है, वाइडली नेचर है, डिकेइंग वेजिटेबल मैटर से ये निकलता है और ऑपरचुनिस्टिक पैथोजन है, ठीक है। इसमें ये इसका स्ट्रक्चर सा है, फुट सेल है और ये इसके हाइफे हैं और ये वेंट्रिकल है। ये स्पूटम कल्चर पे हमें इस तरह का मिलता है, ठीक है। ये इस तरह की अपीयरेंस आती है जब हम इसको कल्चर करते हैं एस्पर्जिलोसिस की। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में ये चीज हमें मिलती है, ये पड़ा हुआ है जी फंगस बॉल। ये रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग पे इस तरह का जब हम डाई डाल के स्कैन वगैरह करते हैं, एयरवे चेंजेस HRCT ये किया हुआ है, HRCT लीवर चेंजेस देखने के लिए देख करते हैं, सॉरी लंग को देखने के लिए करते हैं, लिवर कह दिया, लंग के लिए करते हैं, तो ये जो है वो HRCT जो है उसके में ये इस तरह के फंगस बॉल देखने को मिलता है। ये ब्रोंकाइटिस इन्वॉल्विंग लार्ज सेंट्रल एयरवे विद प्रिडिलेक्शन ऑफ द अपर लोब डायग्नोस्टिक ऑफ ABPA, ठीक है। अपर लोब में फंगस बॉल भी हमें मिल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखते हैं चेस्ट एक्सरे पे इस तरह की पिक्चर जो है, बायलेटरल ब्रोंकाइटिस है, इंटरनल म्यूकस फिलिंग राइट लंग है, म्यूकस प्लगिंग है, फ्लीटिंग नेचर है, इनफिल्ट्रेट ये मिल रहे हैं, और साथ ये चेस्ट एक्सरे की इस तरह की पिक्चर होगी जिस पेशेंट को साथ में फंगस बॉल है, इधर कहीं पे लीवर की लोब में जो है वो फंगस बॉल भी साथ में बॉल की तरह का पड़ा होता है, ठीक है। ये इसकी आगे पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। ये है इन्फ्लेमेशन हुई, मास्ट सेल वगैरह आए, ठीक है, लेट एलर्जी हुई, एयरवे इन्फ्लेमेशन हुई, ब्रोंकाइटिस हुई, म्यूकस प्लगिंग हुई और इसने जो है सारा का सारा गड़बड़ करनी शुरू कर दी, फंगस बॉल वहां पे जो है बनना शुरू हो गया। साइन एंड सिम्टम में क्या होगा? फीवर होगा, ब्रेथलेसनेस होगी, कफ प्रोडक्टिव ऑफ ब्रोंकियल कास्ट होगी, वर्सनिंग एस्थमेटिक सिम्टम होंगे, अपीयरेंस रेडियोलॉजिकल इन्फिल्ट्रेट में कॉज ABPA टू मिस्टेकन फॉर निमोनिया। रेडियोलॉजिकल इन्फिल्ट्रेट का ABPA को हम मिस्टेकनली निमोनिया भी समझ सकते हैं। ये पेशेंट आपके पास इन चीजों के साथ आएगा, डॉक्टर साहब मेरा बुखार नहीं उतरता, मुझे सांस रुक रुक के आता है, ब्रोंकियल कास्ट आती है, ठीक है, ब्लड भी आ सकता है फंगस बॉल वाले पेशेंट को, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या इसकी स्टेजेस के हिसाब से इसका मैनेजमेंट करते हैं। एक्यूट स्टेज क्या है? स्टेज 1, ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं, इट्राकोनाडोल देते हैं। एक चीज मैं आपको ऐड कर दूं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट होते हैं उनमें इजीली जो है वो फंगस बॉल बन जाता है, इम्यूनिटी लोअर होने की वजह से, ठीक है। बहुत जल्दी जो है ये अटैक करते हैं, कहीं पे भी फंगस उनके बहुत जल्दी अटैक करती है। आम बंदे को या निमोनिया जिनने लंग्स तबाह किए हो, बाकी चीजें फंगस बॉल उनके भी बन सकता है। आप जिस तरह पोस्ट कोविड पेशेंट में भी जो है वो ब्लैक फंगस जो है वो बन रहा है, म्यूकोर माइकोसिस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है ना, उनमें फंगस बॉल बनने के बहुत चांसेस होते हैं। अच्छा देखिए, क्यूट स्टेज ABPA स्टेज 1 है, ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमने देनी है, ओरल इट्राकोनाजोल हमने देनी है, ठीक है, इस पेशेंट को फॉलो अप, चेस्ट एक्सरे, रेडियोग्राफ, स्पायरोमेट्री, सीरम, टोटल IG देनी है। अगर जो है रिस्पॉन्स स्टेज 2 है, ठीक है, स्टेज 2 है, उसके बाद रिस्पॉन्स कर दिया, स्टेज 2 पे आ गए, स्टेज 2 के बाद आ गए के स्टेज 3, एग्जैबरेशन होगी स्टेज 3 में अगर, तो फर्स्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देने हैं, फिर 4 मंथ के लिए भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देने हैं, साथ में इट्राकोनाजोल 6 मंथ के लिए देने हैं। उसके बाद अगर रिमिशन ऑफ ट्रीटमेंट 6 मंथ के लिए किया है, स्टेज 2 से रिमिशन स्टेज आ गई, तो उसको डायरेक्टली हम स्टेज 4 कह देते हैं, ठीक है। स्टेज 2-3 में कन्वर्ट नहीं होगी, डायरेक्टली रिमिशन हो जाएगा, 6 महीने ट्रीटमेंट बंद किया और रिमिशन होगी तो स्टेज 4 आ गई, ठीक है। ना कंट्रोल हो तो स्टेज 5 आ गई, इसमें हमने एजोल्स देने हैं, लो डोज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देने हैं, मिथाइलप्रेडनिसोलोन देने हैं, एम्फोटेरिसिन बी देना है, ओमेलिजुमैब देना है, मिपोलिजुमैब देना है, बिनरेलिजुमैब देना है, ये सारे हमने ड्रग्स देनी है ट्रीटमेंट के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेबल जो है वो कौन कौन से हैं इसके, जो ये आपके बुक से ही है, डेविडसन के टेबल है, ठीक है, ये आप लोगों ने ये कर लेने हैं टेबल सारे, ये याद करने वाली चीज है, ठीक है। डेविडसन से कैसे रीड करना है, ये छोटा सा टॉपिक है, डेविडसन पे सारा ही आप एक बार पढ़ लें, क्लिनिकल फीचर डायग्नोसिस के लिए और मैनेजमेंट आपको अच्छे तरीके से जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशन इसकी पूछते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में वही चेस्ट एक्सरे और CT और HRCT ये सारा कुछ कराएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक, थैंक यू सो मच।